से प्रश्न है विजय जी समय प्रश्न के साथ मौजूद हैं। एजुकेशन लोन ट्रैक इनका प्रश्न है और ये मेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली इनको ये 3 लाख के कोर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एजुकेशन लोन इतना इनको चाहिए। आप इस लाइन पर हैं विजय जी? सॉरी सर, जी आप ये बता पाएंगे हमें ये जो आप एनिमेशन कोर्स करने के लिए बात कर रहे हैं ये कहाँ से करने की सोच रहे हैं बताएंगे प्लीज? नोएडा है जी। अच्छा, तो ये मतलब ये रेगुलर कोर्स होगा या मतलब किस तरह से इसको? रेगुलर है। हाँ जी, रेगुलर। ओके, वहाँ एडमिशन हो चुकी है? यस सर। इससे पहले क्या किया है आपने? सर पीजी है। हाँ जी, पीजी मास्टर्स। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। आपने क्या किसी बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए? सर नहीं, अभी सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट, आइए हम आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे ये जैसे कह रहे हैं जो रेगुलर कोर्स के थ्रू ये करना चाह रहे हैं वो रिकग्नाइज है, उसको मान्यता प्राप्त है और बाकी फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लीट होती हैं तो जैसे 4 लाख से कम का ये लोन है तो विदाउट कोलैटरल, मतलब ये कैसे इसको आगे पुश कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है विजय जी को जो लोन चाहिए क्योंकि 4 लाख से कम चाहिए तो न तो इनको कोई कोलेट्रल देना पड़ेगा और मार्जिन मनी भी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब जितना भी कोर्स का कॉस्ट है उसका 100% इनको फाइनेंस मिल जाएगा। आजकल जितनी भी बैंक एजुकेशन लोन देती है उनके जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जब प्रोसेस आगे लोन एप्लीकेशन जब आगे प्रोसेस होगी तो इनका जो कोर्स है कोर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, जो इंस्टीट्यूशन में उन्होंने दाखिला लिया है वो दाखिला हो गया है उसका कंफर्मेशन चाहिएगा, इनकी जो फोटो आइडेंटिटी है, इनके पुराने जो एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो, और इनके रेसिडेंस का प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। तो इनके पेरेंट्स की जो इनकम वगैरह वो कंसिडर लेंडर करते नहीं है 4 लाख से कम तक के लोन पर। राइट, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकग्नाइज है, सारी फॉर्मेलिटीज इस तरह से होती हैं। बलवंत साहब, हम ब्रेक के लिए रोकना चाहेंगे लेकिन उससे पहले एक संक्षेप में आपसे रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि रेगुलर कोर्सेज के लिए तो अवेलेबल है लेकिन आजकल हम देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग का जो माध्यम है वो भी काफ़ी पिकअप हो रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, काफ़ी इंप्लॉयज काम करते हुए उस तरफ बढ़ते हैं और इम्प्लॉयज़ के लिए भी वो बेनिफिशियल रहता है क्योंकि इम्प्लॉयज जिस तरह से ग्रो करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन समाओ इनके लिए एजुकेशन लोन अगर मिल सके आपको लगता है? हालांकि रेगुलर कोर्सेज के मुकाबले फी कम रहती है लेकिन फिर भी डिस्टेंस लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए भी क्या इस तरह भी विचार होना चाहिए लोन देने के लिए? वैसे फिलहाल तो जो डिस्टेंस लर्निंग के जितने कोर्स है उसके लिए एजुकेशन लोन के प्रोविजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु मेरे हिसाब से चूंकि बहुत सी इंस्टीट्यूशंस डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है तो मेरे हिसाब से IBA को कंसीडर करना चाहिए और उनके लिए भी एक अलग से स्कीम बनाना चाहिए जिसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग जो कर रहे हैं उनको भी एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके ज़रिए ये जो इंक्लूसिव जो ग्रोथ की बात होती है उनको भी, क्योंकि दूर दराज के इलाके से भी डिस्टेंस लर्निंग के जरिए लोग आ रहे हैं तो एक माध्यम रह